जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, बारिश का मौसम है, बारिश हो चुकी है, अच्छा मौसम है। हनुमान जी के मंदिर में आया हुआ हूँ तो सोचा आरती से पहले आपको कुछ कुंडली के बारे में बता दूँ, कुंडली ज्ञान के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। शोध किया तो पता चला कि जब भी क्रूर ग्रह की दृष्टि हमारे जन्मांक चक्र के अष्टम भाव पर पड़ जाए, जैसे शनि तीसरी दृष्टि वैसी खतरनाक होती है वो पड़ जाए, मंगल की चौथी दृष्टि पड़ जाए, मंगल की सातवीं दृष्टि या आठवीं दृष्टि, राहु की पांचवी सातवीं नवी दृष्टि, तो सूर्य की भी दृष्टि क्रूर दृष्टि में ही आती है, लेकिन वो इलाज भी कर देते हैं। तो ग्रह जो हैं, ये तीन ग्रह मैंने आपको बताए, केतु की भी दृष्टि यहाँ रोग उत्पन्न कर सकती है। तो ये भयंकर बीमारी, भयंकर रोग जिस पर आपका काफ़ी पैसा खर्चा हो सकता है और रोग काफ़ी लंबा हो सकता है, जानलेवा तक हो सकता है, तो ये आप अपने बच्चों की अपनी कुंडली में आप अवश्य देखिए। यह जो रोग है वो गुरु की जब महादशा या अंतरदशा आती है तो शुरू हो जाता है, क्योंकि गुरु जो है आकाश तत्व है, उसकी वो ही संचालन करते हैं। हमारे अधिकतर कुंडली में जो भी चलता है वो गुरु से ही रिलेटेड होता है, तो गुरु की ही महादशा या अंतरदशा आती है तो ये रोग जो है, बीमारी जो है, असाध्य रोग जो है जिस पर काफ़ी पैसा खर्च हो सकता है वो हो सकते हैं। तो थोड़ा सावधान रहिए, अगर ऐसा किसी की कुंडली में घटित होता है तो सावधान रहे, सुरक्षित रहे, शांति अवश्य करवाए। भले ही चाहे शनि की तीसरी दृष्टि उसका घर ही क्यों ना हो, चाहे कुंभ राशि हो, चाहे मकर राशि हो, चाहे तुला राशि हो, तो भी कष्ट तो कष्ट ही है और यह स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है यदि शनि जिस घर में बैठे हों, जिसके घर में बैठे हों, उस पर और शनि की दृष्टि पड़ जाए तो और भी खतरनाक हो सकती है। तो मैंने आपको योग बताया। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो शुल्क मैंने आपको बताया 2100 रुपये। जन्म कुंडली आपके पास नहीं है तो प्रश्न कुंडली से आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, चार्ज 3100 रुपये। फ़ोन नंबर मैं देख के रखता हूँ आपको थंबनेल पर, और वीडियो में भी आप फ़ोन कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। तो एक और अगले विषय के लिए कुंडली से संबंधित तैयार रहिए, कभी भी अपलोड कर सकते हैं, बस साथ बना रहे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों को ताकि वो सावधान रह सकें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।